कमांडेंट कॉलेज बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 2। आवर क्वेश्चन इज द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव विथ ए वेलासिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलासिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दोनों के मास अलग अलग दिए हुए हैं। कह रहा है कि कोलिजन के पहले इसके स्पीड भी अलग अलग हैं। डायरेक्शन विथ दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जब इसमें कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वह 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी ए वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है m1 इक्वल टू 100 ग्राम, m2 इक्वल टू 200 ग्राम, u1 इसमें दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और u2 दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। v1 यानी आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवेन और v2 इक्वल टू दिया है 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू m1 u1। तो m1 u1, अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मास चूंकि ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं और नहीं भी चेंज करेंगे। तो चूंकि मास दोनों फेज में सेम टू सेम आएगा तो दोनों जगह हमको चेंज करना है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी चेंज करेंगे, तभी हमारा आंसर इसमें रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अब यह है कि कहीं पे मास ग्राम में दिया और कहीं किलोग्राम में दिया हो तो तब उस केस में हमारा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। तो m1 u1 की बात करें तो हो जाएगा 0.1, यानी अब यहाँ पर हम इसको किलोग्राम में पुट अप कर दें, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, तो हो गया 0.2। फिर निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू m2 u2। तो m2 हो गया 0.2 इन किलोग्राम और वेलासिटी दिया इसका 1, तो हो गया 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो 0.2 प्लस 0.2 इक्वल टू हो गया 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एक आंसर तो हो गया कि हमने कोलिजन के पहले इसका टोटल मोमेंटम निकाल लिया। अब इस पर आते हैं, अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, तो 0.1 इंटू v1 अन्य हो गया 0.1 v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 v2 तो हो गया 0.1
टू मास, चूँकि ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज कर दिए, और वी टू दिया है 1.67, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 3.34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पाते हैं, अब यहाँ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 + m2 u2 इक्वल टू m1 v1 + m2 v2। तो m1 u1 की वैल्यू आ गया था 0.4 इक्वल टू, फर्स्ट की वैल्यू आया था 0.1 v1 प्लस ये आ गया हमारा 3.34। तो अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो 0.1 × 0.2 यहाँ पे यह प्रोडक्ट आएगा हमारा, तो हो जाएगा 0.4 − 0.334 इक्वल टू 0.1 v1। तो हो जाएगा 0.1 v1 इक्वल टू, अब इसमें से डिफरेंस निकालते हैं तो 0.400 कर लेते हैं 334, तो 6.33 मल्टीप्लाई हमारा आया था, तो 0.1 भी इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.0066। तो हो जाएगा v1 इक्वल टू 0.066 / 0.01, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड। एंड दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन द वेलासिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी बी इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सम अदर न्यूमेरिकल्स आर द गिवन इन द नेक्स्ट वीडियोज़।